आपका गाड़ी का अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो तो क्या चीज़ चेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको ये वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। आया हुआ है सुजुकी वगमैन गाड़ी या सुजुकी एसएस, कभी आप बाई चांस आपके पास आई तो ये गाड़ी में क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है। गाड़ी का, आपकी गाड़ी का कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं हुआ है BS6 जिसको बोला जाता है 6G, इसमें क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक, आपकी गाड़ी का बटन ख़राब रहेगा तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। ब्रेक स्विच दोनों ख़राब रहेगा तभी भी आपकी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्टर एक रिले होता है, अगर वो भी ख़राब रहेगा तभी भी आपकी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा। कभी वायरिंग टूटा, वायरिंग कहीं से कट हुआ रहेगा तभी भी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अब ये गाड़ी में जितना मैंने आपको, कभी मोटर ख़राब है जिसको बोलते हैं स्टार्टर, तभी भी आपकी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट काम नहीं करेगा। ये जितना मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, ये प्रॉब्लम ये गाड़ी के अंदर नहीं है, ये दूसरा प्रॉब्लम है, अलग प्रॉब्लम है। तो उसको बहुत ईजी से आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। इसमें ACM का प्रॉब्लम है, अगर ACM आप नया डालने जाओगे, नया का प्राइस है 6,190 रुपीज़ का है, 9,190 रुपये का इसका प्राइस है। इसका लेने के बाद कोई गारंटी आता नहीं है, आपका गाड़ी का स्टार्टर चले, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो, इससे कोई संबंध नहीं रहता। जैसे दुकान वाला पहले ही बोल देता भाई ये चीज़ का गारंटी नहीं है। कई बाई चांस आपके प्रॉब्लम आया तो हमारे वीडियो देख के बहुत इजी से आप इसको सेल्फ स्टार्ट का प्रॉब्लम बना सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो वीडियो शुरू से लास्ट तक आप देखिए। दोस्तों, मेरे पास आया हुआ है सुजुकी वगमैन गाड़ी, इसमें क्या हो रहा है, ये BS6 गाड़ी है जिसको बोला जाता है 6G। तो इसमें क्या प्रॉब्लम दे रहा है कि गाड़ी किक से स्टार्ट हो रहा है, सेल से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी इसमें हमने पूरा चीज़ चेक कर दिए, चेक करने के बाद क्या पता चला आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, हमने यहाँ सब ओपन किए हुए हैं और नीचे से भी ओपन किए हुए हैं, कहीं से वायर जो चूहा होता है वो कट नहीं किया हुआ है। ACM देख लीजिए, ACM है। ACM अगर अभी इसका जो प्राइस होता है 6,190 रुपया है, 6,190 रुपीज़ का, ये समझ लो ये ACM है, इसको ACM बोला जाता है। ACM 100% ख़राब हो चुका हुआ है तो इसलिए गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, किक से हो रहा है। अभी आप अगर बाई चांस कभी आपके पास गाड़ी आई और आपने क्या किया, गाड़ी का पहले वायरिंग पूरा चेक करना पड़ता है तो उसके बाद में पता चलता है कि ये चीज़ ख़राब है, तभी आप ये काम करना, नहीं तो इससे काम मत करना। नहीं तो क्या होता है, कभी वायर कट हुआ रहेगा तो आप जैसे मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका यूज करोगे तो हो सकता है उसमें कुछ सामान ख़राब हो जाए, तो ऐसे आपको नहीं करना है। अभी सबसे पहले हम दिखा दे रहे हैं, देखो ये गाड़ी पूरा यहाँ से भी ओपन किए हूँ और भी कहाँ ओपन किए हूँ, नीचे भी ओपन किया था, वहाँ भी वायर कट नहीं हुआ है। ये देख लीजिए, हमने यहाँ से पूरा ओपन किया हूँ, कभी क्या होता है चूहा वायर यहाँ से भी अंदर से भी कट कर देता है। ब्रेक अगर स्विच कट हुआ रहेगा तभी भी गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ भी सब स्विच का वायर, ब्रेक स्विच का वायर भी सही है, ब्रेक स्विच भी ख़राब है, ब्रेक स्विच भी नहीं ख़राब है, और दूसरा ये सॉकेट भी सही है, वायर कहीं से नहीं कटिंग किया, और यहाँ देख लीजिए यहाँ से भी नहीं कटिंग किया हुआ पूरा। तो आप इसी को जैसे आप वापस एक बार वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपका गाड़ी किसी पीक से स्टार्ट हो रहा है, सेल से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपको वायरिंग चेक करना है। जैसे मैंने पूरा भी वायरिंग चेक कर लिया हूँ, वायरिंग कहीं से भी कटा हुआ नहीं है। हमने क्या किया, पूरा चीज़ ओपन किए, ओपन करने के बाद नीचे भी ओपन करके आपको भी दिखा दूँ। अभी हमने देखिए, ये जो होता है राइट साइड का कवर, ये वाला भी ओपन किए हुए था, अभी फिटिंग कर दिए, देख लीजिए कवर, तो ये भी जो ना है अंदर भी वायर कट नहीं हुआ है। तो कभी बाई चांस सब चीज़ आपकी गाड़ी सही है, वापस एक बार इसलिए घड़ी घड़ी रिपीट कर रहा हूँ कि किसी को समझ में आ जाता है, एक बार किसी को नहीं आता है। गाड़ी का आपका किक से स्टार्ट हो रहा है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसका बहुत इजी से आप काम कर सकते हो। अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देख लीजिए, आपको यहाँ एक रिले दिख रहा होगा, इसमें स्टार्टर एक रिले आता है, मैंने कौन से वायर कट किया हूँ, सफ़ेद और पीला, ये वाइट कलर और पीला का दो कलर का वायर है। इसमें ये है अर्थिंग वायर, आपको लगाना है अर्थिंग वायर, कहीं भी आप लगा सकते हो,
जैसे ये वाला, ये देख लीजिए, ये वाइट और ब्लैक, काला और सफ़ेद कलर का वायर है, ये है अर्थिंग वायर ये वाला। तो मैं इसमें फिटिंग करूँगा इसमें। पहले तो अभी आपको ये दिखा दे रहा हूँ कैसे टम्पर वायर लगा के ये बैटरी के वायर में ऐसे लगा रहा हूँ, बाद में मैं अच्छे से इसको लगाऊँगा, फिटिंग करूँगा। ये देख लीजिए, ऐसे टम्पर वायर मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं ये इसको मैंने यहाँ से कर दिया हूँ। अभी आपको मैं एसीएम लगा हुआ नहीं है आपको भी दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए, एसीएम यहाँ लगा हुआ नहीं है, एसीएम मेरे पास इधर पड़ा हुआ है। तभी आपको सेल्फ मार दे, सेल्फ जब ब्रेक दबाओगे तो सेल्फ होता है। अभी एक बार वापस बता दे, उसको बराबर कनेक्शन नहीं था, इसको थोड़ा हल्का से मैंने इसको कर दिया हूँ। अभी वापस दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ब्रेक दबाने से आपका जो होता है स्विच काम करेगा, नहीं नहीं काम करेगा, स्विच कौन से है ये देख लीजिए, ये वाला बटन। और इधर आपको एसीएम दिख रहा होगा, इधर इसमें एसीएम नहीं लगा हुआ है, एसीएम इधर है। अब आपको सेल्फ मार के दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। आप सोचो गाड़ी स्टार्ट होगा, ये बगैर एसीएम का गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अब इसमें आपको क्या चीज़, क्या वायर कट करना है और किधर ज्वाइन करना है, आपको ये वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ मैं। पहले तो मैंने आपको आगे बता चुका हूँ, अब इसको पीछे बताने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक बार वापस आगे बता देता हूँ मैं। ये देख लीजिए, ये लाल कलर का वायर है, लाल में सफ़ेद कलर है, रेड और वाइट। ये आपको ये वायर कट करना है, और दूसरा वायर देख लीजिए इधर है। आपको यहाँ से अगर चेक करना है, ये देख लीजिए, ये वाला सिस्टम रख के 1 2 3 ये चौथा वायर कट करना है। और इधर से देखेंगे दूसरा तीसरा वायर है, इधर से चौथा, इधर तीसरा, ये वाला वायर कट करना है। और आपको इधर से भी दिखा दे रहा हूँ मैं, ये बीच वाला है, ये देख लीजिए, इधर से आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ मैं। ये बीच में है जो, ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा इधर वाइट और पीला कलर का वायर है, उसके बाजू वाला जो वायर है आपको उसको कट करना है। ये पीला और हल्का से इसमें हरा कलर का है, ये वाला वायर कट करना है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको ज्वाइंट नहीं करना है, इसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए, आपको यहाँ ज्वाइंट करना है। देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें आपको ज्वाइंट करना है, और कहीं दूसरा या बगैर कट करिए आप इसको नहीं लगा सकते हो, इसको कट करना ही करना है आपको, तभी आप दूसरा अगर कुछ करोगे तो हो सकता है एसीएम ख़राब हो जाए, उड़ जाए, तो आप ऐसे गलती मत करना। पहले वायर को कट करना, जो जो वायर मैंने बताया, यहाँ से मैंने एक वायर कट किया हूँ, ये पीला कलर का, हल्का से इसमें लाइनिंग है हरा कलर का, और ये है सफ़ेद और लाल, ये वाला वायर कट करना है, और ये वायर कवर कट करना, और दोनों आपस में इधर ज्वाइंट करना है। बगैर एसीएम लगाए आपको सेल्फ मार के देखना है कि गाड़ी का हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है सेल्फ। अगर सेल्फ काम कर रहा है समझ लेना चाहिए बराबर परफेक्ट बैठा हुआ है। अब आपको एक बार वापस आगे दिखा दे रहा हूँ मैं, सफ़ेद और पीला कलर का वायर हमने यहाँ से कट करके इसको आप अर्थिंग दे सकते हो। अर्थिंग अगर बॉडी में देना चाहिए बैटरी में दे दो, या ये वाला वायर में अर्थिंग दे दो, इसी तरीका इसको वायर करना चाहिए। अब आपको मैं एसीएम में इसको फिट करके आपको दिखाते हैं गाड़ी स्टार्ट। यहाँ देखिए, हमने एसीएम फिटिंग कर दिए हुए हैं। एसीएम फिटिंग करने के बाद अब आपको हम गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। अभी एक बार मैं वापस इसको स्टार्ट कर दिखाता हूँ, ये देखिए स्टार्ट हो गया। अब आपको एक बार किक से भी स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं, किक से भी स्टार्ट हो गया।
अब इसमें आपको एक चीज़ दिखेगा, वो क्या चीज़ दिखेगा आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप सोचोगे कि जा क्यों नहीं रहा है, एक क्योंकि हमने यहाँ से वायर कट किए हुए है, इसका खर्चा ज़्यादा आता है। और उसका एक बात भी बताने जा रहा हूँ, इसका आप पार्ट अगर लेंगे फिटिंग करेंगे इसका गारंटी वारंटी कुछ आता नहीं। आप लिए पार्ट आपकी गाड़ी में चले या नहीं चले इसका कंपनी वाला गारंटी देता नहीं है। अभी वापस एक बार रिपीट करा रहा हूँ मैं आपको, 6,6190 रुपया अभी इस टाइम प्राइस इसका है, 6,190 रुपीज़ का समझ लो इसका प्राइस है। अब आपको दिखाने क्या जा रहा हूँ मैं, अब मैं आया हूँ मीटर के पास। ये बाई चांस आपको यहाँ से दिख जाए लाइट होता है, ये लाइट कभी आएगा कभी जाएगा तो आप इससे डरना मत, क्योंकि हमने वायर कट किया हो, कभी कभी इधर लिख के आएगा, लोगों लिख के आपको आएगा, तो उससे आप डरना मत कि हमारे पास लोगों बता रहा है तो गाड़ी हमारे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि वायर एक कट हुआ है इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम आगे जाके दे, क्योंकि ये गाड़ी में अभी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। अभी आप स्टार्ट कर दिखा देगा मैं, इसलिए गाड़ी स्टार्ट हो रहा है बता नहीं रहा है ना, ये चीज़ बताता है कभी देखिए, जैसे कंटिन्यू लाइट चालू रहेगा जाता नहीं है। कभी बाई चांस आपकी गाड़ी में अगर कभी बाई चांस ऐसे आएगा तो समझ जाना चाहिए कि हमने वायर जो कट किया उसके वजह से आ रहा है। अगर आपको हमारे जानकारी अगर ये वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल वाली घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत इजी से आपके पास पहुँच जाएगा। ये गाड़ी कौन से है, साइज 10 एक आया हुआ है, साइज 10 जब आप इसको साइज 10 करते तो गाड़ी बंद हो जाता है। इसमें साइज 10 स्विच नहीं है, ये बगैर साइज 10 स्विच वाला गाड़ी है।